जय माता दी। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल टेस्ट ऑफ यूपी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नारियल की चटनी बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नारियल दो तरह के होते हैं, एक पानी वाला एक बिना पानी वाला। तो आप दोनों नारियल की चटनी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये बिना पानी वाला नारियल लिया है आधा। इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, देखिए इस तरह से। और हमने एक चम्मच राई ली है, करी पत्ता, एक चम्मच नमक, चार पांच हमने हरी मिर्ची, एक प्याज और ये 100 ग्राम दही लिया है। तो हम सबसे पहले प्याज छील लेते हैं। हमने ये प्याज काट लिया है। हम मिक्सी में सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज डाल दिया हमने, अभी हरी मिर्ची डाल देते हैं इसमें, फिर ये नारियल डाल देते हैं। और इसमें नमक भी डाल देते हैं। स्वाद के हिसाब से आप नमक डालें। और ये एक कप पानी इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको मिक्सी में चला लेते हैं। देखिए, इसको हमने इस तरह से ये पीस लिया है। ये चटनी हमारी तैयार है, लेकिन अभी हमें इसमें करी पत्ता और राई का छौंक लगाना है। तो हमने ये फ्राई पैन रख दिया है, गैस खोल दी है। इसमें हम एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। और इसमें राई और करी पत्ता इसमें हम चटकाएंगे, तब इसमें डालेंगे, गरम हो जाए। ये तेल गरम हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम राई डालेंगे। तो चला देंगे थोड़ा। इसमें अब करी पत्ता भी हम डाल देंगे। करी पत्ता की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है करी पत्ता। इस तरह से इसे चला देंगे। गैस हम मीडियम रखेंगे। गैस हम बंद कर देते हैं। ये चटनी है हमारी, तो हम इसमें दही मिलाएंगे। उसमें सबसे पहले हम चार चम्मच दही डालेंगे। अगर देख लेंगे, अगर ये ज्यादा खट्टी तो नहीं हुई है, अगर खट्टी कम है तो हम दही और डाल देंगे। फिर इसे टेस्ट करके आप देख लें, थोड़ा चख के उसी हिसाब से फिर दही डालें। जो करी पत्ता हुआ हमने ये राई भुनी थी, ये इसमें डाल देते हैं। चटनी हमारी तैयार है और इसको हम सर्व करेंगे। हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने चार चम्मच दही डाला था। अगर आपको और खट्टा चाहिए तो आप दही और डाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें 5-10 मिनट लगे चटनी बनने में। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे, हमारी तरह से, चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।